अच्छा ये चीज क्या है, जरा पीछे देखना, इसको अनबॉक्स करना। क्या लाए हो पापा? दोनों मिल करके देख लो एक बार। क्या लाए हो पापा? ओए देखो क्या दिए पापा। क्या ये? हम लोग बाहर से आ गए हैं जी घर, और यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ से सभी लोग निकलने की कर रहे हैं तैयारी। जी हाँ, अब जो है जितने भी फैमिली मेंबर है, गोलू भी आ चुका है, देख सकते हैं जिया को लेकर के जा रहा है। बेचारी रगड़ा रगड़ा के जल रही है, पैर में दिक्कत है। ऐसा कर रहे हैं जी, हम जा रहे हैं ऊपर ताला लगाने के लिए, ताला लगाएंगे फिर नीचे ताला लगाएंगे फिर निकलेंगे। अच्छा नाम सुना है हमने उस रेस्टोरेंट का, तो देखते हैं कैसा टेस्ट आज मालूम चलेगा। और मम्मी पापा को भी लेकर के जा रहे हैं, मुन्नू रेतु यहाँ पर है नहीं, अगर वो लोग भी रहते तो अच्छा लगता, वो लोग भी जाते वहाँ पर। तो अब जल्दी से ताला लगाते हैं, निकलते हैं। पैर में दर्द है लेकिन जज्बा में कभी नहीं है। बस ऐसे ही है, निकलते नहीं। यहाँ पर जी आ रहे हैं सभी, आ जाओ जी पीछे बैठ जाना। हम तुम मोलू और दीदी ठीक है, ले लेंगे अच्छा, देखते हैं छूट जाए तो अच्छा है। पैर में दर्द की करते, हमारे हाथ में दर्द हमारा एकदम पूरा लटका लिया है अपना। बर्तुहारी जनाए छी बैठल छे कोनो बर्तुहार उठले बैठ जाते। सभी लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर और हम लोग चल रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ। आए हैं जी एक केक की दुकान पर, यहाँ से केक उठाएंगे फिर चलेंगे रेस्टोरेंट, वहाँ पर केक काटेंगे फिर खाना पीना चलेगा। चलते हैं अभी केक लेते हैं। दे दीजिए नंबर लगा कोई नाम लिखा। हाँ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे का टैग आ जाएगा। हाँ ठीक है जी। तो हम लोग आ गए हैं जी मेगा नाइन रेस्टोरेंट के पास, गाड़ी की पार्किंग की जगह देख रहे हैं। गोलू को शायद एक जगह मिल गया है, शायद वहाँ पर वो लगा देगा, तो उसी का इंतजार कर रहे हैं फिर निकलेंगे ऊपर। वहाँ गोलू भी आ गया है पार्किंग में लगा के, तो और यहाँ सभी लोग आ रहे हैं। चलो दीदी पहुंच गए हैं जी रेस्टोरेंट, यहाँ पर जो है जगह मिल गई है और यहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग हैं, मुश्किल से एक टेबल खाली है। तो फॉर्चुनेटली हम लोग को जगह मिल गया, वरना किसी दूसरे जगह जाना पड़ता हम लोगों को। चलिए आप लोग भी देख लीजिए, बताइए कैसा केक है। तो यह रहा जी जिया का बर्थडे केक, तो यहाँ पर बस अब केक कटने को तैयार है। कैसा लग रहा है? ज्यादा बढ़िया ये भी अच्छा है। अच्छा टिशू ले लो। और यहाँ क्रियांश भी लग रहा है, जग रहा है आज, बहुत सोएगा, सुना के रखो इसको। शेयर ले लिया है तीनों 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 सब में। पोता कलर जो है उंगली चाटता है, कुछ समय बाद यहाँ भी खाएगा उंगली चाटना ही बचना होगा कुछ समय। मेरा पोता नहीं खा सकता। कैसा लगा बोलो? नंबर अनिली जी, एक लंबे इंतजार के बाद जो है हमारा मेन कोर्स आइटम आ चुका है और अब सभी लोग जो है मेन कोर्स आइटम पर टूट पड़ते हैं। जी हमारा नान और यहाँ पर है हमारा वेज आइटम, इधर है जी मलाई कोफ्ता, उधर है पनीर बटर मसाला, बाकी सभी के लिए नॉन वेज आइटम है वहाँ पर। इन बच्चों ने जो तबाही मचा रखी है। भोजन पानी हो गया जी, जब हम लोग निकलने जा रहे हैं इस समय माहौल थोड़ा सा शांत हुआ है, वरना कुछ देर पहले तक बच्चे सब इतना उधम मचाए हुए थे कि आपस में माहौल लग रहा लग ही नहीं रहा था रेस्टोरेंट में, पूरा बच्चा सब हल्ला कर। एक समय आने वाला है आगे बस इधर पहले जिया का बर्थडे हो गया खत्म, अब जो है अगला सेलिब्रेशन अगले साल। एक साल कट गया। तो हो गया जी सभी का खाना पीना, तो कैसा रहा दीदी? बहुत अच्छा। कैसा था? अच्छा था, उसी से जो किया जाता है उसको पूछा नहीं जाता कैसा रहा, वो सब कुछ अच्छा ही। The next day. रेस्टोरेंट में तो खाना पीना हो गया जी, ये वहाँ से आ गए थे हम लोग रात में, और रेस्टोरेंट का खाना जी अपने जगह होता है, उसका अलग टेस्ट होता है, लेकिन जो घर का खाना होता है उसकी अलग बात होती है। तो जिया वहाँ पर जो है कुछ बना रही है, आपको दिखाते हैं जिया क्या बना रही है। तो यहाँ जिया को देख सकते हैं, यहाँ पर प्याज को कर रही है फ्राई। आखिर किस बात की तैयारी चल रही है जिया? नाश्ता बना रही है माँ के लिए। नाश्ता बना रही है,
चूड़ा फ्राई। अच्छा इसमें थोड़ा सा मखाना भी डाल देना तो हमारे लिए भी काम बन जाएगा। आपके सिर्फ मखाना? अच्छा सिर्फ मखाना मिलेगा खाने को? वो तो सोने पर सुहागा हो जाएगा फिर। हाय हाय हाय। क्योंकि मखाना बहुत अच्छा लगता है, अगर सिर्फ मखाना मिल जाए तो बहुत मजा आता है। दिया कैसा लगा कल का सेलिब्रेशन? बहुत अच्छा। हाँ रात में लेकिन हो नहीं पाया डेकोरेशन सब। हाँ तो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पैर में देखे थे ना कितना दर्द था, हम चल ही नहीं पा रहे थे और थक भी गए थे हम लोग, समय भी नहीं था ज्यादा। हाँ और बहुत ज्यादा दिन में थक गए इधर से उधर करने में, मंदिर गए फिर सबको खाने खिलाए, मैं बहुत ज्यादा थक गए थे और पैर जो मेरा बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था, तो जो किए बहुत ज्यादा किए, बहुत मजा आया। अच्छा स्पेशल वाली फीलिंग। बर्थडे का गिफ्ट और पता है सबसे अच्छा, ये सब भी तो अच्छा लगा, सबसे खाना जो आपने खिलाया वो उनको सबसे अच्छा लगा, और उसके बाद आपने जो पोस्ट डाला था मेरे लिए इंस्टाग्राम पे। अच्छा इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब का कम्युनिटी टैग, उन सब में जगह शेयर हुआ था वो। तो आपने जो उसमें लिखा था, सारे मेरे फ्रेंड सब बोल रहे थे तुम्हारे तो हस्बैंड राइटर है, राइटर होना चाहिए उनको, हम बोले कुछ ज्यादा हो गया मतलब सही में दो तीन फ्रेंड्स हमारे बोले। अच्छा हमारे हस्बैंड को तो राइटर होना, उतना भी अच्छा नहीं लिखते हैं। हाँ बहुत अच्छा लिखते हैं आप। तो ये सब तो सब कुछ। और दूसरी चीज आपकी हिंदी, मतलब हिंदी का इतना तारीफ लोग कर रहे थे, कितना शुद्ध हिंदी लिखते हैं आप। इधर खराब हो चुका है, पहले इससे अच्छा था, अब एकदम प्रैक्टिस से हट चुके हैं। बहुत अच्छा, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप लोग भी पढ़िएगा फिर बताइएगा, क्योंकि सच में बहुत अच्छा लिखते हैं। तो देखिएगा बताइएगा कैसा लगा। और बाकी गिफ्ट? गिफ्ट नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए गिफ्ट। अच्छा मेरे पैसे बच गए। आपके पैसे बचेंगे तो मेरे भी पैसे बचेंगे। यहाँ पर जी नाश्ता तैयार है, तो सबसे पहले मम्मी को जा करके जो है। अच्छा तुम ही जा रही है? हाँ। हम दे देते, नहीं तो अपना लगा दो, आते हैं खाने। ये ले खाएगी, खाएगी बबुआ, खाएगा बेटा, खाएगा राजा, खाएगा कौन खाएगा, बबुआ खाएगा। खाने के लिए तो तैयार रहता ही। बबुआ दवा पियो। तो हमारा नाश्ता पानी हो गया जी, कुछ अपना काम सब निपटा लिया, और अब बारी है जिया की गिफ्ट की। हाँ जी जिया को गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन जिया को बिल्कुल भी पता नहीं कि उसको गिफ्ट मिलने वाला है। जिया को मैंने बिल्कुल अपने पैसे की तंगी बता रखी है कि इस बार देखो पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और इस बार जो है कुछ चैरिटी वाला काम सब किए तो उसमें भी कुछ पैसा चला गया, कुछ ऑनलाइन भी डोनेट किए थे तो वहाँ भी चला गया, तो इस बार जो है कुछ हो नहीं पाएगा। और हुआ क्या, इस बार जो है सेलिब्रेशन भी उस तरीके से नहीं किया जैसा कि आपने देखा हमारा। तो जिया को जो है पूरा विश्वास हो चुका है कि इस बार जो है कोई भी गिफ्ट नहीं मिलने वाला है, लेकिन जिया के लिए गिफ्ट है। तो यह आपको पता है, हमें पता है। अब ऐसा करते हैं, सीधा चलते हैं और जिया को जा करके गिफ्ट देते हैं और देखते हैं उसका क्या रिएक्शन रहता है। वाह क्या कर रहा है ये उधर? ये सबको बुला रहा है, सबको बुला रहा है। उधर जो आंटी है उसको भी बुला रहा है, वो भी बुला रही है इसको, आ जाओ आ जाओ। अच्छा वाह। हाँ, ना? अच्छा ये चीज क्या है, जरा पीछे देखना, इसको अनबॉक्स करना। लग तो रहा है RSS। क्या RSS? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। पापा क्या लाए बेटा, खोल के देखिए तो। क्या लाए पापा? दोनों मिल करके देख लो एक बार। क्या लाए हो पापा? ओ ये देखो क्या दिए पापा। क्या ये तो बहुत चमक रहा है। चमक रहा है पापा, चमक रहा है पापा, बोलो थैंक यू पापा। तो ये था जी जिया के लिए गिफ्ट। देखो जिया को भी पता नहीं था, बिल्कुल एकदम कन्विंस हो चुकी थी कि इस बार नहीं मिलने वाला है। क्या कहें, लेकिन मिल गया। थैंक यू पापा, सच में बहुत ही अच्छा था। बहुत बहुत अच्छा था, हम सोचे नहीं थे। और कब ये लेके आए आप, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। हाँ तो अभी तक तो मिला है मुझे, ये नहीं सोचे थे कि इतना स्पेशल गिफ्ट मिलेगा, है ना बेटा? बोल दीजिए थैंक यू पापा, बहुत बहुत थैंक यू आपको इतना प्यारा सा गिफ्ट के लिए।